अरे भाई, क्या नोट बनाया पाकिस्तान ने! हमारे लामा इकबाल साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा अली जिन्ना और सर सैयद, और ये हमारे कौमी जानवर भी यहाँ मौजूद है, मारखोरा। ये हमारा कौमी जानवर भी इसमें डाला गया है, मारखोरा। और ये हमारी अजीम हस्तियाँ, ठीक, ये चारों की तस्वीरें इसमें मौजूद हैं। बहुत कमाल का नोट बनाया गया है। आप सबको कैसा लगा ये नोट, आप भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएच व्लॉग। तो हम थोड़े मसरूफियात की वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाए, तो हम एक दफ़ा फिर से आपके साथ हाज़िर हो गए हैं और अपने साथ ये गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। ये काफ़ियों ने तो देखा होगा, तो जिस जिसके पास है वो हमें कमेंट करें। और हमारे पास तो ये आ गया, अभी तक बाज़ों के पास आया नहीं है। तो ये हमारे इमरान भाई हैं, इमरान भाई से ज़रा पूछते हैं। तो इमरान भाई, आप हमारे 75 रुपये के नोट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भाई, आज से शहादत का कलमा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। जोर से तो बोलो, जोर से बोलो। इमरान भाई, आप हकीकत में बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो 75 के नोट को देख के हंसी तो ऐसे आ रही है जैसे कोई चीज़ से आप शर्मा रहे हो। ये क्या चीज़ है? ये नोट ही है यार 75 का। ये नोट नहीं, ये पाकिस्तान की बर्बादी का सबूत है। बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तान की बर्बादी का सबूत है। किस लिहाज से बर्बादी है भाई? क्योंकि करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, निकम्मों ने जो बैठे हुए करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। निकम्मों ने, कौन निकम्मे बैठे हुए इस टाइम पे? इस टाइम पे तो लगता है कोई भी नहीं बैठा हो। जो बैठे वो बैठे हुए, जो बैठे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये 75 का नोट आप मुझे दे दें, मेहरबानी करके। बड़ी मुश्किलों से एक नोट हफ्ते लगे हमारे। अब आपने तो उसका सत्यानाश मार दिया। कलर कैसा किया यार? कलर इन लोगों ने किया है ग्रीन लगता है। ये भी जो है ना, तुम दूसरा नोट उठा दो। कौन सा? 500 वाला कोई दूसरा नोट? दूसरा नोट अभी मेरे पास नहीं। तेरे जेब में कैसा बनाया? पीछे पता नहीं, अजीब ही डिजाइन दिया हुआ इसके। उकाशा, सलाम अलैकुम उकाशा भाई। तो ये हमारे उकाशा भाई हैं, हमारे अजीज फ्रेंड हैं। तो ये भी आए, हम इनसे भी मालूम करते हैं कि आप हमारे 75 रुपये के नोट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 75 का जो नोट है वो काफ़ी खूबसूरत है, और मैं ये चाहूँगा बाकी जो हमारे सारे नोट हैं वो भी इसी तर्ज पर खूबसूरत बनाए जाएँ। लेकिन बस इनकी वैल्यू जो है ना, रोज़ पर रोज़ गिरती जा रही है, तो मेरी दुआ है कि इसकी वैल्यू ऊपर चली जाए। बस यही कहना चाहूँगा। करेंसी डाउन हो रही है ना इससे, छोटे छोटे नोट बना के करेंसी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक चीज़ इसमें बताई थी हमें, क्या चीज़ इसमें डाक करनी चाहिए? कह रहा था कि इसमें जो मारकोड नज़र आ रहा है वो वाजह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, इसे डार्क होना चाहिए था ताकि वाजह तौर पर नज़र आता है। ये हमारा कौमी जानवर है। बस यही कहना चाहूँगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी, अब मैं अपने खान साहब के पास। खान साहब कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खान साहब, हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। दिखाओ ना। ये लो, अभी बोलो। हाँ उसामा भाई, ये तुमने किधर से पैदा किया है? यार यार मामा, हमने पैदा नहीं किया, हमने ये बैंक से लाया। खुराक का तस्वीर भी लगाया, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। खान साहब, हमारा नोट तो दिखाओ जरा पब्लिक को। पब्लिक को दिखाओ हमारा नोट। देखो बहुत खूबसूरत है, मारखोर भी हमारा हो माशाल्लाह। और अगले तरफ से दिखाओ, हमारा कायद का तस्वीर दिखाओ। हाँ, सब मौजूद है हमारे अजीम हस्तियाँ। नोट कैसा बनाया खान साहब? बहुत अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया यार। आपको कैसा लगा नोट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नोट अगर आ जावे फिर सही आ जाए। ये हम लोग का गवर्नमेंट का तबाही नहीं है? नहीं यार, क्या तबाही? करेंसी खराब नहीं हो रहा है हमारा? ना, ना, ना। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं होगा।
चलो जी, खान साहब को कहते कुछ भी नहीं होगा, तो चलो खान साहब चलते हैं हम आए थे आपके पास कुछ लेने के लिए, मगर आपको हमने चलो एक चीज़ दिखाई आपसे, उसके बारे में मालूम करवाया, आपको पसंद आया नोट? हाँ पसंद आया, मेरी पसंद आया। चलो जी, हमने काफ़ी जनों से पूछे इस नोट के बारे में, तो अभी तक हमने जो है अपने कैमरा मैन आतिब भाई से इसके बारे में नहीं पूछे, तो चलते हैं उससे, ज़रा उससे भी पूछ लेते, वरना वो नाराज़ हो जाएगा कि मेरे से क्यों नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछ लिया। कैमरा मैन आतिब भाई इधर देखना ज़रा, ये हम आपके लिए एक चीज़ लेके आए। थैंक यू नहीं, इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं आपने, बड़ी मुश्किल से एक तो हमें मिला है। तो बड़ा प्यार है, कौन सा जानवर है? मालपुरा बड़ा टिम्बू हुआ हुआ है, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नोट बड़ा ज़बरदस्त है, कायदे आज़म में मुस्कुराता हुआ, अलामत बल में मुस्कुराता हुआ। तेरा चौथे का नाम बताओ। चौथे का नाम अच्छा नाम है, हर किसी के अच्छा नाम होते हैं सोचते वक्त। अच्छा, ये बीच इसका नाम क्या है? मिसेस फातिमा जिना है, फातिमा जिना सिस्टर। इसका नाम क्या है, चौथे वाले का नाम क्या है? चलो हम इसको जो है ना अपने भाई से पूछते, हम अपने भाई से पूछते कि इसका ये चौथे वाले का नाम क्या है? सर सैयद। सर सैयद, सही बताया। ये 75 रुपये का नोट? नहीं नहीं, हमारा भाई पढ़ा लिखा है यार, तभी उसको पता है। पढ़ा लिखा है। अभी आपको पता चल गया? हाँ, 10 क्लास फेल है। 10 क्लास फेल हो आप? वो माशाल्लाह से इंटर से ऊपर किया हुआ है वो। 11वीं क्लास फेल हो, 10 क्लास पास कर लिए, 11वीं क्लास में बाकी 75 रुपये का नोट अच्छे है। अभी जानो 70 रुपये लस्टिंग, 5 रुपये बताता हूँ तेरे को मैं, 70 वाली स्टिंग, ये एक ही नोट है, आने दे 10-12 आने दे, हाथ में प्रेस्टिंग भी पी लेना। बस तेरा यही कमेंट था, बेकार सा कमेंट किया है तूने, तेरे को कुछ पता ही नहीं है नोट के बारे में। अब पता है ना, बस मार फोन कर। तो जी हम अपने जानवरों के पास मौजूद हैं इस टाइम, जानवर हमारे खाने पीने में मसरूफ लगे पड़े हैं। बकरा माशाल्लाह हमारा पहले से बेहतर हो चुका है, और रानी हमारी तकरीबन एंड के महीनों में चल रही है, और छोटू हमारा आजकल मस्तियों में आ गया है माशाल्लाह, कह दे सब इनके लिए, तो नजर ना लगाएं प्लीज। ये भी लड़ने लग गए थे आपस में खाते खाते, तो हम इसको छुड़ाने लग गए थे, तो अभी खाने में लड़ाई तो होगी ना, जब एक ही थाली में 3 चने खाएंगे। अभी ये नवाबों की तरफ बैठ के इसने खाना खाना है, चारा चारा इनके लिए बांध दिया है, पानी फिलहाल इनको पिलाना नहीं है क्योंकि दाना खिला रहे हैं, दाने के ऊपर पानी नहीं पिलाया जाता, तो पानी इनको हम बाद में पिलाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी शॉप की तरफ, और रानी को हमारी माशाल्लाह देख लें। हेलो जी, तो हम आ चुके हैं अपने घर, सारे काम काज फारिग करके, अपने जानवरों को चारा चारा डाल के, अपनी शॉप बंद करके, और हमारी रानी साहिबा जो कि आप सब जानते हैं, जो हमारी बकरी है रानी साहिबा, वो इस टाइम पे पेट से है, उम्मीद से है, तो उसके लास्ट दिन चल रहे हैं, तो उसे हमने फार्म से अपने उठा के अपनी शॉप में शिफ्ट किया है, क्योंकि फार्म पर हम 24 घंटा मौजूद नहीं होते, वहाँ पे हम सिर्फ उनके खाने पीने के टाइम जाते हैं, और अपने फ्री टाइम उनके पास थोड़ा तफरी वगैरह करने और उनको चहल पहल करवाने के लिए हम लोग जाते हैं। तो शॉप पे लाने का मकसद ये था कि जो भी हो किसी की मौजूदगी में होना चाहिए ये काम, ताकि उसको कोई तकलीफ़ वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत वगैरह हो तो एक बंदा उसके सर पे अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से हमने अपनी रानी को उठा के अपनी शॉप पर शिफ्ट कर दिया है, और वो इस टाइम पे हमारे शॉप पर है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको हम कल मिलाएंगे उनके साथ, अगली वीडियो में ज़रूर आप रानी को भी देखेंगे। तो ये हमारा 75 का नोट है, इसके बारे में भी आपसे राय जानना चाहेंगे, आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। हमने बहुत से लोगों से इसकी राय पूछी है, उनके कमेंट्स वगैरह हमने लिए हैं कि उनके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में, सबके कमेंट्स आप वीडियो में देख चुके हैं। हमें तो ये नोट बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा, हमारे इसमें अल्लामा इकबाल, कायद आज़म फातिमा अली जिन्ना और सर सैयद, ये चारों की तस्वीर दिखने को मिली है। और ये नोट के लॉन्च होने का मकसद
ये भी हमें मालूम हो चुका है। वो इसका मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान को बने हुए 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये 75 का नोट रिलीज़ किया गया। तो आपकी भी हम राय जानना चाहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर हमें इसके बारे में अपना कमेंट करें कि आपकी की इसके बारे में क्या राय है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।